हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ नया रिक्रूटमेंट। पोस्ट ऑफिस के भर्ती के रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। पोस्ट ऑफिस भर्ती 2024 में बहुत बड़ी अपडेट लेके आ चुका है, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं, 1899 वैकेंसीज रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जिसमें कोई भी कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। 1899 जो वैकेंसीज रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, इसमें अगर कोई भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते तो उनके लिए GDS, MTS एंड के पोस्ट रिक्रूटमेंट किया जाएगा, और भी बहुत सारे पोस्ट वाइज रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी दूंगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें क्लियरली कुछ अपडेट दिया गया है। दोस्तों, इस बार की जो ऑफिशियली अपडेट निकल के आया है, जिसमें बहुत सारे पोस्ट वाइज रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जिसके अंदर 1899 वैकेंसीज रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। इस जो वैकेंसीज रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जो कि जो जो पोस्ट है वो है पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसमें 5 वैकेंसीज रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए और भी यहाँ पे अपडेट दिया गया है, जिसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या वैकेंसीज है, चलिए देख लेते। पोस्टल असिस्टेंट के लिए 598 वैकेंसीज रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जिसमें SC, ST, OBC हर कोई के लिए यहाँ पे अलग से वैकेंसी रखा गया है। सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 143 वैकेंसीज है। पोस्टमैन के लिए 585 वैकेंसीज है। मेल गार्ड के लिए यहाँ पे है 3 वैकेंसीज। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 570 वैकेंसीज रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। टोटल जो है 899 वैकेंसीज रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जिसमें मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो कि है SC ST OBC हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग से वैकेंसी रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो, इसको भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस भी चाहिए, मतलब आपको देना पड़ेगा अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस देना दे रहे हैं उनके लिए 100 रुपीज़ SC ST PWD वुमेन EWS ट्रांसजेंडर, इनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन में करना होगा, जिसके लिए आप लोग इंडियन पोस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाके आप लोग आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो है आपका नाम, मतलब आपका डिटेल्स, इसके अलावा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एज प्रूफ सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड। चलिए बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। पोस्टल असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री चाहिए, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री चाहिए, पोस्टमैन के लिए 12th पास चाहिए, मेल गार्ड के लिए 12th पास चाहिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10th पास चाहिए। तो यहाँ पे 5 पोस्ट है, 5 पोस्ट के लिए 5 अलग अलग वैकेंसीज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी रखा गया है। तो बैचलर डिग्री, 12th पास, इस तरह की क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए जो एज क्राइटेरिया दिया गया है उसके बारे में भी आप लोगों को बात कर लेता हूँ। पोस्टल असिस्टेंट 18 से 27 ईयर्स, सॉर्टिंग असिस्टेंट 18 से 27 ईयर्स, और यहाँ पे भी पोस्टमैन, पोस्ट गार्ड, मेल गार्ड के लिए सेम, बट मल्टीटास्किंग के लिए 25 तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एज सिलेक्शन मिलेगा, जैसे कि SC ST के लिए आपको 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स तक एज सिलेक्शन मिल जाएगा। ये था आज की वीडियो। अगर पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।